कालका और पिंजौर में 2 दिनों की बरसात में किसानों और जमींदारों की खराब हो चुकी फसलों का मुआवजा दे हरियाणा सरकार। इनेलो जिला प्रधान सतेंद्र सिंह टोनी कालका और पिंजौर शहर के दून और रायतन क्षेत्र के गांव में पिछले 2 दिनों से रात के समय हो रही भारी बारिश की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि कालका और पिंजौर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ गेहूँ की कटाई लेट शुरू की जाती है और बरसात की वजह से किसानों और जमींदारों की फसलें गीली हो गई हैं, जिस कारण कालका और पिंजौर की मंडियों में उनकी फसलों को बेचने में भारी दिक्कतें आ सकती हैं। इनेलो जिला प्रधान सतेंद्र सिंह टोनी ने कहा कि हरियाणा सरकार को किसानों और जमींदारों की गीली और ख़राब हो चुकी फसलों का मुआवजा देना चाहिए। किसानों का इसका बहुत भारी नुकसान है। किस चीज़ का नुकसान हो रहा है? जैसे कणक कट रही है, हमारे यहाँ कणक की कटाई अब शुरू हुई है, क्योंकि हमारे पहाड़ी क्षेत्र होने करके थोड़ी लेट शुरू होती है। क्यों ना कोई मुआवजा दिया जाए उनको। इनेलो जिला प्रधान सतेंद्र सिंह टोनी ने कहा कि अपनी फसल अपना ब्यौरा के तहत भी पिंजौर के किसानों और जमींदारों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण उनके पास आए थे और उन्होंने अपनी समस्याएं भी रखी थी। कालका और पंचकुला के SDM से मिलकर इनकी समस्याओं का हल करवाया गया है। कुछ ग्रामीण इकट्ठे हो गए आए थे मसौला तीर्थवर वगैरह और जमींदार, तो हम मंडी में गए, मंडी उसको मिले, जाकर कच्ची को मिले और अभी पंचकुला को मिले, जो जमींदारों की समस्या जो बताई, तो उन्होंने फिर मेरे को कहा भी हमारा जो अपना पटवारी है, पटवारी से लिखवा कर दो उन्होंने फसल हम ले लें। क्या दिक्कत क्या रही सर? वो अपनी फसल जो रहोगे जो कागज है उनके पूरे नहीं है उनके पास, इसलिए वो उनको दिक्कत आ रही थी। बहुत ज़्यादा बरसात का मौसम है, फिर वो मेरे पास आए, मैं उनके साथ SDM साहब पर गया कालका और पंचकुला। तो क्या उनकी समस्या का? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया और पटवारी से लिखवा कर दिया